हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल जस्ट। कैसे हैं आप सभी दोस्त? तो आज का जो टॉपिक है हमारा स्टडी का, वो है रेट्रोग्रेड वर्नियर। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट वर्नियर की बात की थी, आज हम रेट्रोग्रेड वर्नियर को स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस टॉपिक के मुताबिक जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इसका इसकी एक डायग्राम है, इसका एक सेक्शन, इसका एक पार्ट जो है हमने यहाँ पे शो किया। तो जो ऊपर टॉप मोस्ट पार्ट है ये हमारे पास वर्नियर स्केल है, जो बॉटम पे है स्केल शो हो रहा है आपको, ये मेन स्केल है। अब देखिए, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर वी इज लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल एस। अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए कि जो रेट्रोग्रेड वर्नियर है वो अपने करेक्टरिस्टिक्स में टोटली ऑपोजिट है डायरेक्ट वर्नियर के, मीन्स ये कि ऑपोजिट हैं, बोथ दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इसी बेसिस पर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर वी इज लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल एस, मीन्स मीन्स के कहने का मतलब ये है कि जैसे डायरेक्ट वर्नियर में जो है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर जी शॉर्टर थी किसके, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल के, तो यहाँ पे उलट हो गया मामला। यहाँ पे वर्नियर की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो बड़ी है, किससे बड़ी है, एस से बड़ी है, विच इज अ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। अब ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की जब देखते हैं, एन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू एन प्लस वन डिवीजन ऑन मेन स्केल। यहाँ पे भी रेट्रोग्रेड वर्नियर डायरेक्ट वर्नियर के ऑपोजिट है, कि हमने क्या पढ़ा था कि एन डिवीजन ऑन मेन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवीजन ऑन मेन स्केल, मीन ये कि अगर 4n है हमारे पास तो 4 माइनस 1 3 होगा, इन इन विच केस, इन द केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर। बट यहाँ पे n अगर 4 है हमारे पास, वर्नियर स्केल के डिवीजन 4 है, तो फिर n प्लस 1 5 डिवीजन ऑन द मेन स्केल होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको रिमेम्बर करनी है। नेक्स्ट इसको हम एक एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं कि लेट सपोज के 1 2 3 4 ये हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 4 है, मीन ये कि वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो हमारे पास 4 है, तो अब n प्लस 1 होगा रेट्रोग्रेड वर्नियर में, तो क्या आएगा, 5। तो अब यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो अब ये n प्लस 1 इज इक्वल टू 5 है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अकॉर्डिंग टू रेट्रोग्रेड वर्नियर हमारे पास ये सिचुएशन आती है। तो अब इस डायग्राम से आप ये देख लीजिए कि ये जो स्टेटमेंट है हमारी, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये भी सेटिस्फाई होती है कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी वर्नियर की, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी वर्नियर की वो लॉन्गर होगी, तभी तो एन इज इक्वल टू 4 जो है वो एन प्लस 1 इज इक्वल टू 5 के इक्वल डिस्टेंस आएगा। ये दोनों इक्वल है तो किस तरीके से होगा कि इसकी जो डिवीजन की लेंथ होगी वो मेन स्केल की डिवीजन से थोड़ी सी बड़ी होगी, तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट लाइन की तरफ, इट एक्सटेंड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ मेन स्केल, मीन ये कि यहाँ पे भी डायरेक्ट वर्नियर के ऑपोजिट, के डायरेक्ट वर्नियर में मेन स्केल और वर्नियर स्केल एक ही डायरेक्शन में होते हैं, बट आप यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे ऑपोजिट जा रहे हैं, किस तरीके से कि यहाँ पे 0 to 5 to 10 ये हमारे पास वर्नियर स्केल इस तरीके से मूव कर रहा है, और ये ग्रेजुएशन जिसकी आप देख लीजिए मेन स्केल की, कि 10 9 8, मीन ये कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इस तरीके से हम यहाँ पे रेट्रोग्रेड वर्नियर में दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आगे हम फिर लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर में। सो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर का। तो यहाँ देखिए कि इस इक्वेशन को, ये अभी हमने जो बात की थी उसको हम मैथमेटिकली यहाँ पे लिखते हैं, एन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल मीन्स ये कि मल्टीप्लाई बाय वी विच इज डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू एन प्लस वन डिवीजन ऑन मेन स्केल। अब डिवीजन ऑन मेन स्केल को आप जानते हैं एस से डिनोट करते हैं, और डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल को वी से। तो क्या करते हैं, एन प्लस वन इंटू एस। अब सिंपली यहाँ पे आपको वी की क्वेश्चन फाइंड आउट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन होल मल्टीप्लाई बाय एस, ठीक हो गया। अब आप जानते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, मीन्स के एस माइनस वी। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए लीस्ट काउंट क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो वी माइनस एस होगा। अब वी माइनस एस क्यों होगा, यहाँ पे ये देख लीजिए, जब हम डायरेक्ट वर्नियर की बात कर रहे थे तो वहां पे लीस्ट काउंट एस माइनस वी था, मीन्स मेन स्केल की डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल की, बट यहाँ पे वी माइनस एस है। क्यों, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर रेट्रोग्रेड वर्नियर में वी जो है वो बड़ा होता है एस से, वी इज ग्रेटर देन एस, मीन्स वर्नियर स्केल की डिवीजन मेन स्केल से ग्रेटर होती है, वी इज ग्रेटर देन एस।
ये आप देख सकते हैं। तो इस वजह से हमारे पास क्या है कि लीस्ट काउंट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो फिर वी माइनस एस आ जाएगा, और इन द केस ऑफ डायरेक्ट वन ईयर इट इज एस माइनस वी। अब यहाँ पे देखिए कि सिंपली आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे पुट कर दें, क्या है हमारे पास एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन होल मल्टीप्लाई बाय एस माइनस एस लीस्ट काउंट। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो हमारे लीस्ट काउंट हमारे पास क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करके, एस रेशो एन, एस डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे देख लीजिए एस अगेन जो है हमारे पास मेन स्केल की डिवीजन है। तो यहाँ पे आप देखिए कि डायरेक्ट वन ईयर केस में भी हमने देखा था कि लीस्ट काउंट एस डिवाइडेड बाय एन होता है, और यहाँ पे भी वही है। तो मीन्स के रेट्रोग्रेड वन ईयर और डायरेक्ट वन ईयर में जो बेसिक सिमिलरिटी है वो यही है कि लीस्ट काउंट की सेम इक्वेशन होती है, बाकी जो है ये सारे दोनों आपस में ऑपोजिट है करेक्टरिस्टिक्स में। सो इसके बाद हम देखते हैं कि हम रेट्रोग्रेड वर्नियर को रीड किस तरह से कर सकते हैं। ये देख लीजिए आप, ये डायग्राम है, सेक्शन है हमारे पास वर्नियर का। अब यहाँ पे देखिए ये मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लीजिए कि दोनों की जो ग्रेजुएशन की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, मीन ये 8 to 9 to 10 है, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए जब हम रीड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 8 है, ये 8 to 9 है। अब 9 के आगे आप देखिए 9.1, 2, 3, 4, 5, 9.6, 9.7, 9.8 और 9.9 से 10 तक। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारे जो ग्रेजुएशन आएगी, हमारी जो रीडिंग आएगी वो 9.9 से 10 के बीच होगी, 9.9 से 10 के बीच होगी। अब यहाँ पे हम मेन स्केल से वर्नियर स्केल की तरफ जाएंगे और वर्नियर स्केल पे रीड करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि वर्नियर स्केल हमें मोर प्रिसाइज वैल्यू बताता है, मीन्स कि 9.9 तक तो हमें मेन स्केल बता रहा है, 9.9 के बाद कितनी वैल्यू आएगी ये हमें वर्नियर स्केल बताएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब वर्नियर स्केल किस तरीके से बताएगा, वो हमने प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर स्टडी किया था कि जब भी मेन स्केल और वर्नियर स्केल की लाइंस आपस में कोइंसाइड होकर एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बना रही है तो उस लाइन को हम रीड करेंगे। स्ट्रेट वर्टिकल लाइन कुछ इस तरीके से जब बना रही होंगी तो हम उसको रीड करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए जब 9.9 यहाँ तक आ चुका, 9.9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मीन्स कि ये लाइन आप देखिए तो ये कंटिन्यूस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बना रही है, ये वाली लाइन। बाकी पिछली लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से स्टेट नजर नहीं आ रही, ये वाली स्टेट बना शो कर रही है। तो आप क्या कहती है, ये सिंपल यहाँ पे क्या है 9.9 है ये, और ये आपके पास 9.98 आ जाएगा। तो फाइनली आफ्टर रीडिंग दैट वी गेट 9.98, 9.98 रीडिंग हमने इस सेक्शन को रीड करके 9.98। अब देखिए लीस्ट काउंट की हम बात करते हैं, लीस्ट काउंट क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए ये किस तरीके से जा रहा है, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, मीन्स ये कि जो डिवीजन ऑफ द मेन स्केल है उसकी क्या वैल्यू है, 0.1, 0.1 वैल्यू आ रही है जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट की इक्वेशन में आप देखिए, लीस्ट काउंट इक्वेशन में आप देखिए एस की जगह क्या आ जाएगा, 0.1, मीन्स के 0.1 वैल्यू है मेन स्केल की डिवीजन की। तो वर्नियर स्केल में देख लीजिए कि ये 0 to 10 हो गया, ये 11, 12, 13, तो कितने नंबर ऑफ डिवीजन हो गए हमारे पास, 13 नंबर ऑफ डिवीजन। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 13 कर दीजिए और जो भी आंसर आएगा वो हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस हम लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए हमने पूरा रेट्रोग्रेड वन ईयर का कॉन्सेप्ट आज समझा कि रेट्रोग्रेड वन ईयर क्या होता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और किस तरीके से उसका लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करते हैं, और अगर इसको रीड करना हो तो किस तरीके से रीड कर सकते हैं। तो उम्मीद है गाइज आपको ये वीडियो समझ आई होगी और ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो काइंडली मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।